नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 सितंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और डीजल पेट्रोल के बड़े दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी को सीधे चोट पहुंचाई है। राहुल ने कहा कि सरकार कहती है कि जीडीपी बढ़ी है, ये जीडीपी का मतलब वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल, और सरकार ने पिछले 7 सालों में इन तीनों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इससे 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, ये पैसे कहां गए? पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया के बीच राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की वर्चुअल वोट अपील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई है। कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनाव संबंधी क्षेत्रों की जनता से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट अपील करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं। पैरालंपिक में सोना चांदी जीतकर विश्व में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले सितारों को राज्य सरकार कई महीनों से वेतन तक नहीं दे पा रही। इनमें टोक्यो में गजीब की जीवटता दिखाकर गोल्ड पदक जीतने वाली शूटर अवनी लेखरा, रजत पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझड़िया और कांस्य पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर सुंदर गुर्जर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। राजस्थान में बीते कई दिनों से मानसून के दूसरे चरण के सक्रिय होने का इंतजार खत्म हो चुका है। एक बार फिर से जयपुर समेत प्रदेश में विभिन्न जगहों पर मेघ मेहरबान नजर आए। इससे तापमान में 3 डिग्री की गिरावट के साथ फिजाओं में ठंडक घुलने से प्रदेशवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जहां अब भी बारिश का इंतजार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अल्पवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में अल्पवृष्टि के कारण सूखने से फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस स्थिति को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अल्पवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का संयुक्त सर्वे दल के माध्यम से आकलन करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल के बाद प्रदेश में पर्यटन के नए अवसर तलाशने के लिए कई कवायद जारी है। इस बीच 1 सितंबर से उम्मीदों का पर्यटन सत्र एक बार फिर से शुरू हो गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आगामी दिनों के लिए घरेलू पर्यटकों के लिए पूरा शेड्यूल तैयार किया है। वहीं दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 10 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान जताया है। हालांकि 30 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। इस बीच जयपुर समेत प्रदेश में विभिन्न राज्यों से लगातार सैलानियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर के विपश्यना ध्यान केंद्र में मौन साधना शुरू हो गई है। केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे थे। बुधवार को ध्यान साधना का तीसरा दिन रहा। केजरीवाल लग्जरी सुविधाओं से दूर सिर्फ साधक की तरह ही रह रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर गलता तीर्थ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी की तलहटी में घने जंगलों के बीच विपश्यना ध्यान केंद्र है। यहाँ आम लोगों का प्रवेश नहीं है। प्रदेश में करीब 5 महीने के अंतराल के बाद स्कूल खुले। 1 सितंबर से शुरू हो रहे स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोले जाने और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर SOP जारी कर दी है। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी। इसी प्रकार 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगी। भरतपुर जिले में ऐसे 540 सरकारी एवं 648 निजी स्कूल खोले गए हैं। रेगिस्तान में अगर इंसान को सबसे जरूरी कोई चीज है तो वह है पानी, जिसकी एक बूंद हल्क में उतर जाए तो ऐसा लगता है जैसे जीवन को जीने की एक अमृत रूपी दवा मिल गई है। इसे पीते ही इंसान में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सीमा पर स्थापित लंबे रेगिस्तान में आजादी के 75 वर्ष बाद भी लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। नहरों से आने वाला पानी सीधा डिग्गियों में डाला जाता है। अब इस क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगात दी है। बाड़मेर जिला लिग्नाइट, ग्रेनाइट व मैसनरी स्टोन उत्पादन से सरकार का खजाना भर रहा है, लेकिन खनन से प्रभावित गांवों के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। जबकि यहां हर साल रॉयल्टी अंशदान के तौर पर 30 करोड़ का बजट DMFT योजना में जमा हो रहा है। जिम्मेदार DMFT कमेटी प्रभावित क्षेत्रों की बजाय सभी गाँवों में खर्च कर रही है, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते हैं। टोंक सहित 3 जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध के अगस्त माह में पूरा भरने का रिकॉर्ड इस साल भी टूट गया है। इसी के साथ इसके भरने की संभावना काफी कम हो गई है। हालात यही रहते हैं तो पेयजल संकट बन जाएगा। वहीं किसानों को भी इस बार रबी फसल के लिए पानी नहीं मिल पाएगा।
उधर इसके कैचमेंट एरिया में अब भी बारिश ज्यादा होती है और यह पूरा भरता है तो यह इसके भराव को लेकर नया इतिहास बनेगा, क्योंकि यह बांध अब तक अगस्त माह में ही पूरा भरा है। कोरोना प्रबंधन के मामले में प्रतापगढ़ जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से किए गए बेहतर प्रबंधन का ही परिणाम था कि यहां दूसरी लहर के पीक समय में गुजरात और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते थे और रिकवर होकर लौटे थे। इसी बेहतर प्रबंधन के चलते जिला लगभग 2 महीने से कोरोना फ्री चल रहा है। हालांकि जिले में 2 महीने से एक भी केस नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद चिकित्सा विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है और सैंपलिंग के साथ टीकाकरण के कार्य को भी बखूबी अंजाम दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।